पुराणों और मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले गणेश पूजन के बाद ही देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की माता गौरी की पूजा करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। बता दें कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी थी, वहीं इसके दो दिन बाद षष्ठी यानी 12 सितंबर को ज्येष्ठ गौरी की स्थापना की गई थी। बता दें कि अब यानी कल यानी कि 14 सितंबर को गौरी विसर्जन किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस विसर्जन का मुहूर्त क्या है और साथ ही इसकी विधि क्या है। इस विसर्जन के मुहूर्त की बात करें तो 14 सितंबर को अष्टमी तिथि के दिन प्रातः 7:04 पश्चात गौरी विसर्जन का मुहूर्त है। आइए आपको बताते हैं माँ गौरी के विसर्जन की विधि क्या है। माँ गौरी के विसर्जन के लिए पहले उन्हें सब्जियाँ, सलाद, चटनी, व्यंजन चढ़ाएं। उसके बाद फल, फूल, मिठाई चढ़ाकर उनकी पूजा करें और आरती करें। गौरी विसर्जन के लिए किसी नदी के बजाय घर में ही पानी की बाल्टी में मूर्ति का विसर्जन करें। उसके बाद उस पानी को कहीं फेंके नहीं बल्कि पेड़ों में डाल दें। बाद में जो प्रसाद बचता है उसे किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर उसे खुद खा लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।